हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में शौक मौज के लिए खरीदे अवैध हथियार, पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर 3 पिस्तौलें जब्त की। उदय मंदिर थाना पुलिस ने जिला विशेष टीम की मदद से उम्मेद उद्यान में 3 युवकों को गिरफ्तार कर 3 पिस्तौलें जब्त की। आरोपियों को अवैध हथियार सप्लाई करने वाले व्यक्ति की तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस उपायुक्त पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि डीएसटी के कांस्टेबल उमा राम ने उम्मेद उद्यान में मंगल सिंह व उसके साथियों के पास अवैध हथियार होने की सूचना दी। तब उदय मंदिर थाना अधिकारी राजेश यादव और डीएसटी प्रभारी एसआई कन्हैया लाल ने उम्मेद उद्यान में दबिश दी। हुलिये के आधार पर तलाश कर मंगल सिंह व 2 युवकों को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर तीनों से एक एक देसी पिस्तौल बरामद हुई। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर बनाट सरकारी विद्यालय के पीछे रहने वाले मंगल सिंह, डोलियावास गांव निवासी भैरा राम जाट और कीर्ति नगर सेक्टर सी निवासी आकाश पवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। आरोपियों ने शौक मौज व स्टेटस सिंबल के लिए ये अवैध हथियार खरीदे थे। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।